तो जैसे ही गाइस अनुराग डबल को बिग बॉस से बाहर किया गया था, उसको इविक्ट किया गया था, तो उसी टाइम गाइस अनुराग डबल का एक फेक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रहा था कि अनुराग डबल बिग बॉस क्रिएटिव टीम को इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। और काफी सारे लोग तो गाइस ऐसा भी बोल रहे थे कि अनुराग डबल का बिग बॉस क्रिएटिव टीम के साथ पंगा हो गया, इसीलिए वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। तो इसी चीज के बारे में गाइस जब अनुराग डबल को उसी इंटरव्यू वीडियो में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको भी दिखाता हूँ। करेक्ट करना चाहूंगा, ये फेक न्यूज है कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है, ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। रैंडम नहीं आए बट मेरे माँ बाप तो आते हैं। मैं आज वो चीज रखना चाहता हूँ कि किसके माँ बाप नहीं आएंगे जब मैं इतना सब कुछ शो में फेस कर रहा था, इतना सब कुछ मैंने झेला। एक माँ तो आती ना अपने बेटे के लिए हमेशा। अगर ये बात सच्ची में मेरे घर वालों तक पहुंचाई जाती, वो स्टोरी भी फेक थी कि आपके घर वालों को बोला और आपने ये चीज बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरे ये चीज बोली गई थी कि हम लोग केवल अनुराग से डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल आपसे डिस्कशन करेंगे, ये बात भी मुझे नहीं पता थी। उसके बाद अगर मैं अब समझ रहा हूँ मैं किस मेंटल ट्रॉमा से उस शो के अंदर गया हूँ कि हाफ ऑफ इन्फॉर्मेशन करके बस मेरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी हर एक